तो दोस्त, तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करने वाले हैं सीटेट के लिए। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो जल्द जल्द कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, इस बार डेट हो सकता ना बढ़े। जी हाँ, जो हमारी डेट को एक्सटेंड किया गया था वो 5 अप्रैल 2024 तक रात के 12 बजे से पहले, ठीक है, 11:59 PM, यहाँ पर डेट और टाइम सब कुछ लिखा है। तो दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक रात हो चुकी होगी, तो जल्द जल्द आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपने फीस पेमेंट कुछ भी अगर छूटा है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। यूपी टेट का एग्जाम कब होगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखिए, एक अटेम्प्ट अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट फॉर्म भरने में लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक और बड़ी खबर आती है, स्कूलों में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक गर्मी की छुट्टी हुई है। ये अपडेट कहाँ से, पूरी अपडेट देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी भी हमारा बीटीसी और बीएड का मामला कोर्ट में चल रहा है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगा, 30 जून को जारी होगा परिणाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, ये बड़ी खबर है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि इस साल 2024 में बच्चे अब क्या करेंगे। अगर ज़्यादा बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो फिर आने वाले टाइम में आपका कंपटीशन टफ होगा। अगर बच्चे बीएड की तरफ अब भी जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग नौकरी लेकर जाएंगे। उसके बाद बात कर ले प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो कब से शुरू होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट शीट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच से हैं और जो अभी फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। देखिए आपको बता दें, अभी आप लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि एक दिन में एक साथ दो पेपर, तीन पेपर कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो हमारा गणित का पेपर होता है मैथ का, ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है, पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। और आपको बता दें, गणित का पेपर 1 घंटे का होता है, 1 आवर, ठीक है ना। तो 1 घंटे में भी दोस्तों आपको टोटल 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो क्या होगा, कैसे करना है, सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट में क्या होगा ये भी आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है कुछ ऐसा आएगा। देखिए दो तरह का आपका रिजल्ट आता है, अगर आप नॉर्मली पास होंगे तो नॉर्मल रिजल्ट रहेगा, अगर आप बैक पेपर एग्जाम में पास होंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है बैक पेपर रिजल्ट, ठीक है, तो इस तरह शो करेगा। तो आप लोग का जो स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो रही है। तो अब उसका भी रिजल्ट का इंतजार अब आपके मन में होगा कि कब तक रिजल्ट आएगा। चलिए एक एक करके आज की सभी जानकारी मैं आपके सामने रखेंगे। एक और आपको बात बता दें, लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये दोस्तों राजधानी की हालत है, आप देख सकते हैं 89 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मेन भैया सिर्फ एक टीचर है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में एक बड़ी वैकेंसी आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड बनाम बीटीसी विवाद को सुनवाई, फिर मिली अगली डेट है 8 अप्रैल 2024, बीएड बनाम बीटीसी विवाद, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नई शिक्षक भर्ती नियमावली जो आई थी उसके हिसाब से आपका पेपर पैटर्न अब की चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आपको बहुविकल्पीय की जगह अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और आपको बता दें, बाकी जो शिक्षक भर्ती का प्रोसेस सिंपल था वही रहेगा, पहले आप लोग का डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही आप लोग डीएलएड कंप्लीट करेंगे और डीएलएड करते करते भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं, एक बार जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो डीएलएड करते करते आराम से दे सकते हैं, और कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो भी वो सीटेट में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत से बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन आवेदन नहीं करते। एक बात और, आज लास्ट डेट है, तो जो बच्चा डीएलएड कर रहा है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है और 6 to 8, मतलब दोस्तों जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर लिख कर आता है बोथ पेपर 1 and 2, ठीक है। तो आप लोग पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए भी, मतलब आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बीएड से है तो वो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरेगा, ठीक है ना। तो आपको जहाँ फ़ायदा मिल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठा लीजिए। तो अब देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारा पेपर कब से शुरू होगा, क्या पेपर हमारा अप्रैल में होगा कि मई में जाएगा। हमने आपको बता दिया कि अगर पेपर अप्रैल में होगा लास्ट वीक से पहले बिल्कुल चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो पेपर पूरे चांसेस है कि मई या बहुत ज़्यादा होगा तो जून तक जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ पर जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना।
तो अभी भी सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आप लोग बच के रहिएगा। जरा इस अपडेट को देखिए, सरकारी स्कूल में 15 अप्रैल से लेके गर्मी की छुट्टी घोषित हो जाएगी जो 15 मई तक रहेगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल कक्षाएं स्थगित रहेंगी, स्कूल खुले रहेंगे, शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना। ये अपडेट दोस्तों बिहार से है, बाकी देखते हैं यूपी में क्या अपडेट आती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा बीएड और बीडीसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, ये दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसको लेकर भी अपडेट जल्द ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित कुछ भी सवाल हो कि सर कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, वीडियोस का लिंक चाहिए, कुछ भी, तो आप लोग हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर 8738079216 8738079216, ठीक। आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी जानकारी होगी हम आप तक वहाँ पर पहुँचाएंगे, ठीक है ना। सोशल मीडिया की अफवाह से आप लोग लेकिन बच के रहिएगा। चतुर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, देखिए आपको बता दें, जब आप लोग सीटेट का एग्जाम, ठीक है, फॉर्म भर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा होगा कि आप लोग का सीटेट अपेयरिंग छात्र हैं या सीटेट पास स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग पास है तो आपको यहाँ पर नंबर शो करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का टोटल नंबर जोड़ेंगे आप, 3200 में से नंबर आएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। लेकिन देखिए, जैसे हमारा 2021 बैच का रिजल्ट, ये प्यारा रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारा नंबर आपका यहाँ पर हिसाब कर दिया गया, यहाँ से आप अपना नंबर देख सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, 1048 1682 जोड़ लेंगे तो ये आपका 3200 में से नंबर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो हमारा 2019 बैच का रिजल्ट है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा प्यारा सा रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको भैया नंबर जोड़ना पड़ेगा। ये भी दोस्तों देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर, अगर 2021 बैच का होता तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के हर एक अफवाह से बच के रहिएगा, सीटेट में अपडेट नहीं बढ़ेगी पूरी उम्मीद यही है, वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, अगर अभी तक आपका आवेदन नहीं हुआ है तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा, और उम्मीद करेंगे इस बार आप लोग सीटेट में एक बेहतर नंबर भी स्कोर करेंगे। मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, हमने डीएलएड के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया था, सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं, मन है कि सीटेट में फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, तो भर दीजिएगा, आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, दो पेपर होते क्यों हैं जरा समझ लीजिए। जो हमारा पेपर वन होता है सीटेट में, वो इसलिए होता है कि अगर आपने पेपर वन पास कर लिया तो 1 to 5 पे कोई भी शिक्षक भर्ती निकलती है, 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में, तो आप आवेदन के पात्र होंगे। अगर आपने पेपर 2 निकाल लिया, पास कर लिया, तो आप 6 to 8 की अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें आवेदन के पात्र होंगे। देखिए सीटेट में पास होने के लिए पासिंग मार्क या कट ऑफ कितनी है, तो जनरल में 90 नंबर, और जो भी आरक्षित वर्ग में बच्चे आते हैं ओबीसी एससी एसटी में पास होने के लिए चाहिए होगा 82 नंबर, ठीक है। तो पासिंग मार्क और ये सब चीज़ें बेसिक जानकारी आप तक होनी चाहिए। चलिए, सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिएगा, ठीक है ना, फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। बाकी कुछ बच्चे इस वीडियो को 5 अप्रैल रात को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 6 अप्रैल को देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।